नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का रूप माना गया है। स्त्री की हर रूप की पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि जिस घर में स्त्री की सम्मान होती है और उसे सुखी रखा जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं इसके विपरीत, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता और उसे पीड़ा पहुँचाई जाती है, ऐसे घर से माता लक्ष्मी दूरियाँ बना लेती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस घर से माता लक्ष्मी दूर हो जाती है, उस घर के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ता है। इसके साथ ही उसे अन्य प्रकार की पीड़ाएं भी सहनी पड़ती हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य के शरीर की बनावट, उसकी चाल ढाल, आवाज और चरित्र से उसका भाग्य भी बताया जा सकता है। शास्त्रों में स्त्री पुरुष के विभिन्न प्रकार भी बताए गए हैं। इस शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें मनुष्य के अंग और बनावट के लक्षणों बारे लिखा है। इस ग्रंथ में स्त्रियों के लक्षणों का उल्लेख अधिक विस्तृत मिलता है और इसी कारण स्त्रियों के विषय में ये कहा जाता है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है और हमारे ऋषियों ने इस विषय में उल्लेख अधिक विस्तृत रूप से किया है। आज हम आपको ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए स्त्रियों के विभिन्न प्रकार और उनके लक्षणों के विषय में बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ शास्त्रों को समझने और ज्ञान के लिए बनाया गया है, क्योंकि स्त्री या नारी अपनी सुंदरता के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के 13 प्रकार बताए गए हैं। साध्वी, विधवा, चित्रिणी, पद्मिनी, हस्तिनी, शंखिनी, पुष्चली, आतुरा, दाकिनी, प्रेमिणी, कृपिणी, स्वर्गिणी, बहुवंशिनी। साध्वी स्त्रियों के लक्षण। सधवा स्त्रियों के दोनों हाथ कमल के समान सुंदर होते हैं। उंगलियां सीधी होती हैं। हाथ की रेखाएं सूक्ष्म लेकिन साफ होती हैं। हथेली चिकनी और गोलाकार होती हैं। इनके हाथ में पद्म और स्वस्तिक रेखा स्पष्ट दिखाई देती हैं। भाग्य रेखा बिना कटी होती है। इनका संपूर्ण शरीर का रंग एक समान दिखाई देता है। भौहें मिली नहीं होती हैं और दांत एक दूसरे से चिपके होते हैं। ये स्त्रियां पतिव्रता और घर को संवारने में ज्यादा दिलचस्प दिखाती हैं। माता दुर्गा के स्वरूप को भी साध्वी प्रकार ही माना गया है। विधवा स्त्रियों के लक्षण। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार विधवा लक्षण वाली स्त्रियों के बाएं हाथ में 3 या 6 रेखाएं होती हैं। भाग्य रेखा छिन्न भिन्न या दंड रेखा से युक्त होती है। ऐसी महिलाओं के बाल रूखे से रंग के, कान मोटे और मुंह लंबा होता है। इनका कंठ मोटा और इनकी आवाज कर्कश होती है। इनके नाखून चपटे होते हैं। ऐसी स्त्रियों को प्राय दुनिया में ठोकर खाना पड़ता है, परंतु अपनी मेहनत से अपने जीवन को जीने में सक्षम होती हैं। चित्रिणी स्त्रियों के लक्षण। तीसरी प्रकार की चित्रिणी स्त्रियां पतिव्रता, स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती हैं। ये हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती हैं। इनमें भोग की इच्छा कम होती है, परंतु श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक परिश्रम वाला काम नहीं हो पाता, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती हैं। संगीत और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होता है। ये तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती हैं। इनका स्वर कोयल के समान मधुर और बाल काले होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती हैं। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती हैं, उनमें से एक को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष होती है। पद्मिनी स्त्रियों के लक्षण। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली और अति सुंदर होती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। ये लंबे कद, कोमल बाल और बड़ी आंखों वाली होती हैं। इनकी बोली मधुर होती है। पहली नजर में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती हैं।
ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं और इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। यह सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती हैं। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं। जिनसे इनका विवाह होता है वह पुरुष बहुत भाग्यशाली होता है। हस्तिनी स्त्रियों के लक्षण। इस जाति की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोगविलास की इच्छा अधिक होती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती हैं और भोजन अधिक करती हैं। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये प्राय आलसी होती हैं और कामों आसान तरीके से करना जानती हैं। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को क्लेश पहुंचाती हैं। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी आस्था नहीं होती। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनकी आयु 73 वर्ष के लगभग होती है। विवाह के 4, 8, 12 अथवा 16वें वर्ष में इनके पति का भाग्योदय होता है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, किंतु इसका कारण भी ये स्वयं ही होती हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनकी पूछ परख नहीं होती। शंखिनी स्त्रियों के लक्षण। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें से कुछ तो बहुत मोटी और कुछ बहुत ही दुर्बल होती हैं। इनकी नाक मोटी, आंखें अस्थिर और आवाज गंभीर होती है। ये हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती हैं और बिना कारण ही क्रोध करती रहती हैं। ये अपने पति से रूठी रहती हैं। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोगविलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव भी नहीं होता, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली यानी इधर की बात उधर करने वाली होती हैं। ये अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। इनके सामने ही दोनों कुल पिता व पति नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में बहुत दुख भोगती हैं। ये उस समय मरने की बारंबार इच्छा करती हैं, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती। पुंश्चली स्त्रियों के लक्षण। पुंश्चली स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती और ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनके हाथ में 9 रेखाएं होती हैं, जो पुण्य, पद्म, स्वस्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती हैं। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता। सभी इनकी उपेक्षा करते हैं। पुंश्चली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। स्वर तीखा होता है। यदि ये किसी से सामान्य रूप से बात भी करती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये विवाद कर रही हैं। इनकी भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। आतुरा स्त्रियों के लक्षण। इस तरह की स्त्रियां हमेशा हड़बड़ी में ही रहती हैं। प्रत्येक कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का इनमें जुनून होता है। इसी कारण से कई बार इनके काम बिगड़ भी जाते हैं। ये होती तो साधारण रूपरंग वाली हैं, लेकिन खूबसूरत और पति से बहुत प्रेम करने वाली हैं। यदि इनके मन की कोई बात पूरी न हो तो पति से लड़ाई भी कर लेती हैं। इन्हें नए नए मित्र बनाने का स्वभाव होता है। इनके अधिकतम मित्र स्त्री ही होते हैं। ये धन संचय करने में कमजोर होती है। अपने मित्रों पर अधिक खर्च कर बैठती हैं।
अपने परिवार को भी दोस्तों की तरह बड़े प्यार से संभालती हैं। डाकिनी स्त्रियों के लक्षण। इस प्रकार की स्त्रियां मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालना खूब अच्छी तरह जानती हैं। लोगों को धोखा देना इनकी प्रकृति में होता है। ये ऊपर से प्रत्येक व्यक्ति से बहुत निकटता और अपनापन दिखाती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें धन ऐंठने की योजना बनाती रहती हैं। यहाँ तक कि पति को भी धोखा देने में संकोच नहीं करती। इनमें धन की विशेष लालसा होती है और धन पाने के लिए ये अपराध तक कर बैठती हैं। देखने में सुंदर, वाणी में मधुरता इनका सबसे बड़ा गुण होता है। प्रेमिणी स्त्रियों के लक्षण। प्रेमिणी श्रेणी की स्त्रियां अत्यंत सुंदर, गौर वर्ण, चंचल नेत्र, गुलाबी पतले होंठ, सुराही जैसी गर्दन और लंबे केश की मालकिन होती हैं। इनकी सुंदरता के दीवाने सैकड़ों होते हैं। जो कोई भी एक बार इन्हें देख ले वह इन्हें भूल नहीं पाता। जितना आकर्षक इनका रूप होता है उतना सौम्य इनका स्वभाव भी होता है। इनका आचरण शुद्ध होता है। परोपकार और प्रेम की भावना इनमें प्रबल होती है। ये अपने परिवार और पति बच्चों के लिए समर्पित होती हैं। इन्हें भोग विलास के समस्त साधन प्राप्त होते हैं। स्वर्ण तो इन्हें विशेष प्रिय होता है। अपने को सुंदर सजाती हैं, परंतु अन्य पुरुषों को बिल्कुल नहीं चाहती। कृपिणी स्त्रियों के लक्षण। कृपिणी स्त्रियां कमजोर शरीर वाली, सांवली त्वचा वाली, कंजूस और निर्लज्ज होती हैं। अपनी गलत हरकतों के कारण से परिवार समाज में बदनाम होती है। इन्हें अपनी संतान और पति से कोई मोह नहीं रहता। इस कारण इनका घर परिवार कई बार टूट भी जाता है। प्रत्येक पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती हैं और धन पाने के लिए किसी भी पुरुष के साथ हो लेती हैं। इनके दिमाग में अपराध का कीड़ा भी पनपता रहता है। भोगविलास पाने के लिए ये अपराध की राह पकड़ लेती हैं। ये इतनी कामुक होती हैं कि किसी भी पुरुष को नहीं छोड़ती हैं। कई बार अपने भाई पर भी मोहित हो जाती हैं। स्वर्गिनी स्त्रियों के लक्षण। ज्योतिष के अनुसार ऐसी स्त्री धर्मप्रायण होती है। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होना इन्हें प्रिय होता है। इनका परिवार व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। न किसी वस्तु की अधिक लालसा होती है और न कुछ अधिक पाने का प्रयास करती हैं। जितना होता है उसी में खुश रहती हैं। इनका अपनी संतान से विशेष लगाव होता है। धन संचय करने का गुण इनमें होता है। इस प्रकार की स्त्रियां समाज के किसी बड़े पद पर भी देखी जाती हैं। रूपरंग सामान्य किंतु आकर्षक होता है। ये स्त्रियां परोपकार करने में सबसे आगे रहती हैं। भारत में प्राय ऐसी स्त्रियां ही अधिक पाई जाती हैं। संस्कार और धर्म को सबसे अधिक मानती हैं। बहुवंशिनी स्त्रियों के लक्षण। समुद्रिका में अंतिम प्रकार की इन स्त्रियों का रंग गेहुआ होता है और पूरी तरह से गृहस्थ धर्म को निभाने वाली होती हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलती और मन की साफ होती हैं। पति और परिवार इनके लिए सबसे ऊपर होते हैं। ये समाज में सम्मानित होती हैं तथा उच्च पदों पर आसीन होती है। इनका स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, गलती को सहन नहीं कर पाती, लेकिन जल्दी ही मान भी जाती हैं। दूसरों की बुराई करने वाले और दूसरों पर दोषारोपण करने वालों से ये दूर रहना पसंद करती हैं। ये अनेक प्रकार की संपत्तियों की मालकिन होती है। प्रेम का गुण इनमें विशेष होता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने ज्योतिष में बताए गए स्त्रियों के लक्षण को जाना। आपको बता दें कि सिर्फ इसी से किसी का भाग्य या स्वभाव नहीं पता चलता, कुछ उनके कर्म और संस्कार भी होते हैं। स्त्रियां हमेशा पूजनीय होती हैं और हर स्त्री को ऐसे ही अपने कर्तव्यों और संस्कारों के साथ जीना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री महाकाल। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्त्रियों की नाभि के विषय में। जी हाँ, बहुत ही भाग्यशाली होती हैं इस तरह की नाभि वाली स्त्रियां, और जिन पुरुषों से उनका विवाह होता है ये समझ लीजिए ऐसे पुरुष स्वयं इंद्र के समान शक्तिशाली, धन संपत्ति से संपन्न और स्वर्ग का सुख भोगने वाले होते हैं। क्योंकि जिन स्त्रियों में ऐसी नाभि पाई जाती है वह अपने
पति को धन संपत्ति ऐश्वर्य के साथ साथ परम भाग्यशाली भी मानी जाती हैं और उन्हें इस सृष्टि के सभी सुख प्रदान करने में सक्षम होती हैं। जी हाँ, ऐसा कहा भी जाता है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कि ऐसी नाभि केवल और केवल इंद्र की सभा में अप्सराओं में पाई जाती है। जिन स्त्रियों की ऐसी नाभि होती है वह बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को दबाकर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा अपने चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, आप सब जानते हैं शारीरिक सुंदरता के साथ साथ शरीर के अंगों की बनावट भी लोगों को काफ़ी आकर्षित करने का कार्य करती है। उन्हीं में से एक है नाभि। जी हाँ, नाभि स्त्रियों के शरीर में काफ़ी महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसके कई भेद बताए गए हैं, लेकिन आज एक ऐसे और महत्वपूर्ण भेद को हम समझेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हां, आप जैसा कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर किसी स्त्री की नाभि ऊपर से नीचे की तरफ बालों की एक रेखा बनकर तैयार हो और वह नाभि दक्षिणावर्त घूम रही हो, अर्थात स्त्री के राइट हैंड की तरफ अगर वो घूम रही हो, तो ऐसी नाभि वाली जो स्त्रियां होती हैं परम सौभाग्यशालिनी होती हैं। उनके भाग्य में धन संपदा और ऐश्वर्य काफ़ी होता है और वह परम सुख को भोगने वाली मानी जाती हैं। अगर आपको कहीं ऐसी स्त्री दिखे तो तुरंत उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकती हैं, आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती हैं, रातों रात आपको चमका सकती है, क्योंकि ऐसी नाभि केवल इंद्र की अप्सराओं में पाई जाती है जो परम सौभाग्य को देने वाली हैं, सुख को देने वाली हैं। जी हाँ, ऐसी नाभि वाली जो स्त्रियां होती हैं वह अपने प्रेमी को, अपने पति को या फिर अपने जीवन साथी को परम सुख प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से पुरुष को शारीरिक रूप से संतुष्ट करने में काफ़ी सक्षम मानी जाती हैं। यह रति क्रीड़ा और शारीरिक संभोग में काफ़ी रुचिकर मानी जाती हैं और यह परम सुख और आनंद को भी देने वाली मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों की नाभि अगर दक्षिणावर्त घूम रही हो तो उनके भाग्य में धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति और स्थिर लक्ष्मी का सीधा सीधा योग माना जाता है और यह योग उस परिवार को जीवन की सभी सुख और समृद्धि देने वाला माना जाता है। तो परम शुभ ऐसी नाभि मानी जाती है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय महाकाल। बहुत स्वागत है। अगर आप विवाह करने जा रहे हैं या आपका अब तक विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करने से पहले महिलाओं के पैर के विषय में ये तीन चीज़ें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपकी शादी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। जी हाँ, ऐसे ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक वीडियो को आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को सुनते सुनते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं महिलाओं के पैर के विषय में। जी हाँ, अगर आप विवाह करने वाले हैं और अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है और आप विवाह करने का सोच रहे हैं, तो जब भी लड़की देखने जाएं तो महिलाओं के या जिस लड़की को आप देखने जाएं उसके पैर को विशेष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि उसकी संपूर्ण जीवन की स्थिति का परिचय देने वाले माने जाते हैं महिलाओं के पैर। जी हाँ, इसीलिए हमारे पूर्वज एक प्रथा को बड़े प्रचलन में लेकर आए, जब भी दुल्हन घर में आती थी तो उसे कुमकुम या हल्दी में पैर करके घर में चलवाया जाता था। उसके पीछे एकमात्र कारण था कि वह उस कन्या के, उस लड़की के, उस स्त्री के पैरों का परीक्षण कर सके कि आखिर उसके पैर कैसे हैं, वह अपने जीवन साथी के लिए कैसी रहेगी। इसी के साथ साथ उसके आने से घर में धन की और व्यापार की या कार्य की कितनी वृद्धि होगी, कितनी बरकत होगी और हम कितनी सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब भी लड़की देखने जाएं तो पैर की तरफ विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए, पैर को जरूर देखना चाहिए। तो ऐसे ही तीन जबरदस्त बातें आपको बताने वाला हूं, यदि आप इनको सुन लेंगे और इस नियम का पालन करेंगे तो आप कभी भी जीवन में
गलत जीवन साथी का चयन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप लड़की देखने जाएं तो आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है कि उस लड़की के पैर में, नीचे तलवे में गैफ तो नहीं है, अर्थात एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाई तो नहीं देता है। अगर स्त्री के पैर के तलवे में गैप होगा, एक साइड से दूसरी तरफ अगर दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि ऐसी जो महिलाएं होती हैं वह घर की धन संपत्ति को बर्बाद करने वाली होती हैं। उस घर में लक्ष्मी कभी स्थिर रूप से निवास नहीं करती है और घर परिवार लगातार कर्ज में डूबा रहता है, जिसके कारण केवल और केवल बर्बादी ही घर में आती है। ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल शुभ नहीं मानी जाती हैं। ऐसी महिलाओं से विवाह करना सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वर्जित बताया जाता है। तो सबसे पहले महिलाओं के पैर के तलवे में गैफ को आपको देखना चाहिए कि कहीं पैर के तलवे में गैफ तो नहीं है। और दूसरा जो प्रकार है, जो भी महिलाएं अपने जिनके चलते समय पैर की आवाज़ आती हो, अर्थात पैर को रगड़कर चलती हों, या जिनके चलने से उनके जूते या चप्पल से काफ़ी आवाज़ आती हो, तो ऐसी महिलाएं भी सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं मानी जाती हैं। जी हाँ, महिलाओं के चलने से उनकी समृद्धि का पता लगता है और उनके चलने के तरीके से परिवार की मान सम्मान के विषय में जाना जा सकता है। जी हाँ, जो महिलाएं चलते समय पैर को रगड़कर चलती हैं या एड़ी के बल पर चलती हैं या पंजे के बल पर चलती हैं और पैर चलने से जिनके पैर आवाज़ करते हैं, ऐसी महिलाएं परिवार के मान सम्मान को धूमिल कर देती हैं। जी हाँ, मान सम्मान को बर्बाद कर देती हैं। वह कभी भी उस परिवार के सम्मान में वृद्धि नहीं कर पाती हैं। अपने चारित्र के रूप से या अपने व्यवहारिक रूप से उस परिवार में कलह और मान सम्मान को नष्ट करने का कार्य ऐसी महिलाएं करती हैं। तो कभी भी ऐसी महिलाओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए जिनके चलते समय पैर आवाज़ करें या फिर धूल उड़े या फिर पैर से लगातार आवाज़ आती रहे चलते समय, पैर को रगड़कर चलने वाली ये महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से विवाह करने योग्य नहीं मानी जाती हैं। अगला जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वह महिलाओं के चरित्र को दर्शाता है, उनके चाल चलन को दर्शाता है। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी यह बिंदु माना जाता है मानव जीवन में, और पूर्वज इसका विशेष रूप से परीक्षण करते थे। जो भी महिला घर में है, अगर चलते समय उसके पैर की सबसे छोटी उंगली अर्थात कनिष्ठ का उंगली यदि चलते समय भूमि को स्पर्श ना करे, तो ऐसी महिलाएं जो है चारित्रिक रूप से काफ़ी खराब मानी जाती हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं की सबसे छोटी पैर की उंगली चलते समय अगर भूमि पर स्पर्श नहीं करती है, तो सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से ऐसी महिलाओं का चाल चलन ठीक नहीं होता है। वह कभी भी एक पुरुष से शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं हो सकती हैं और अपनी काम की अग्नि में इतना जलती रहती हैं कि कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेती हैं। तो यह योग महर्षि समुद्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। यह मानव जीवन को कलंकित कर देने वाला है और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन को नष्ट करने वाला भी माना गया है। तो इस प्रकार के स्थिति या योग या लक्षण आपको महिला के पैर में दिखते हैं, तो आपको ऐसी महिलाओं से विवाह करने की सलाह नहीं दी जाती है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह लक्षण वाली महिलाएं कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के लिए, अपने ससुराल पक्ष के लिए हानिकारक ही मानी जाती हैं। तो इन महिलाओं से विवाह करने से आपको बचना चाहिए और शुभ लक्षण शुभ योग वाली महिलाओं से विवाह करना चाहिए, यह परम आवश्यक माना जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि मैं आपके जीवन में उपयोगी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा आप तक लेकर आता रहता हूं। जय महाकाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री और पुरुष के अंगों के आधार पर
उनका भविष्य जानने की विधि का वर्णन किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के दांत भी उसके विषय में बहुत कुछ बताते हैं। दांतों का आकार, दांतों का प्रकार, दांतों की संख्या, दांतों में गैप होना, एक ही स्थान पर दो दांतों का होना आदि प्रकार की स्थितियां मनुष्य से जुड़े कई राज खोलती है। आपको बता दें कि सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर के सभी अंगों के विविध लक्षणों का वर्णन किया गया है। इसमें नासिका लक्षण, मुख लक्षण, नेत्र लक्षण, कपोल लक्षण, हस्त लक्षण आदि प्रकार के सभी अंगों के लक्षणों का वर्णन मिलता है। आज हम जानने वाले हैं मनुष्य के दांतों के लक्षणों के बारे में। भाग्यशाली स्त्री और पुरुष के दांत कैसे होते हैं और उनके क्या विशिष्ट प्रकार है। इसी के साथ ही सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दांतों के बीच में गैप होना कोई साधारण लक्षण नहीं है। दांतों के बीच में गैप होने से कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं, जिसे आप सभी को अवश्य जान लेना चाहिए। द्वांत्रिशत दशना यस्या सर्वेम गोक्षीर पांडराहा सर्वेम शिकरिनः स्निग्धा राजभार्या च सा भवेत। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दांतों का एक सार सम और एक दूसरे से सटे हुए होना, न चौड़े और न पतले होना सबसे उत्तम माना गया है। इसके फल स्वरूप उत्तम जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और धन संपत्ति से युक्त सुखमय जीवन मिलता है। किंतु यदि दांत आगे या पीछे होते हैं अथवा टेढ़े मेढ़े होते हैं तो यह सफलता को अवरुद्ध करते हैं। इसके फलस्वरूप मनुष्य को मानसिक पीड़ा, खिन्नता और क्रोध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे दांत वाले मनुष्य को सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तीसरी बात, यदि दांत मोती की तरह चमकदार होते हैं तो यह उत्तम जीवन और सौभाग्य का सूचक है। ऐसे दांत वाले लोग दीर्घायु होते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। चौथी बात, दांतों का बहुत पतला होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दांतों का बहुत पतला होना अशुभ माना जाता है। पतले दांतों वाले लोग कुटिल, निर्मम और कपटी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों से सदैव ही दूर रहना चाहिए। पांचवी बात, दांतों की संख्या से भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में पता किया जा सकता है। यदि किसी स्त्री और पुरुष के 31 या 32 दांत होते हैं तो ऐसे लोग धनवान और प्रतिष्ठित बनते हैं, और यदि किसी व्यक्ति के 30 दांत होते हैं तो उसे सुख और दुख का मिश्रित फल मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के 29 दांत होते हैं तो उसे मानसिक यातना, शारीरिक कष्ट और परिवार से दूरी सहन करनी पड़ती है। ऐसे लोग अपने परिवार से दूर रहकर काम करते हैं। चौथी बात, यदि किसी व्यक्ति के 28 दांत हो तो उसकी उन्नति बहुत ही धीमी गति से होती है, लेकिन उन्हें अपनी मनोवांछित सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। आइए अब जान लेते हैं व्यक्ति के दांतों में गैप होने का क्या अर्थ होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के दांतों में गैप होता है वे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनके पास अद्भुत प्रतिभा शक्ति होती है। ये लोग अपने जीवन में बहुत कामयाब भी होते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही सरल और सहज होता है और ये परोपकार करने वाले होते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है ऐसे लोग खुले विचारों वाले और समझदार होते हैं। ये दूसरों के दुख और उनकी पीड़ा को बड़ी ही आसानी से भाप लेते हैं। इनकी वाणी मधुर होती है और ये कभी दूसरों को कड़वे शब्दों में बात नहीं करते। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के दांतों में गैप होता है वे लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और हर कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री के सामने वाले दांतों में गैप होता है तो उन्हें वफादार और दयालु माना गया है। ऐसी औरतें अपने जीवन साथी के साथ कभी धोखा नहीं करती है, ये जीवन भर साथ निभाने वाली होती है। दांतों में गैप वाली महिलाएं अत्यंत भावुक मानी गई है। इन्हें धोखा, झूठ, पाखंड जैसी बातों से सख्त नफरत है। अक्सर लोग इनके अच्छे स्वभाव का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन इन्हें उससे बड़ी तकलीफ होती है और वो ये बात कभी दूसरों को नहीं बता पाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दांतों में गैप वाली महिलाएं विवाह के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इनसे विवाह करने वाले पुरुष सदा ही सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। दांतों के बीच में गैप वाले लोग धन के अधिक लालची नहीं होते हैं। ये कभी दूसरों को धोखा देकर या दूसरों का धन चुराने का प्रयास नहीं करते। ये लोग मेहनत से जितना भी मिलता है उसी से संतुष्ट रहते हैं और पैसे कमाने के लिए कोई बुरा काम नहीं करते। तो इस प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच में गैप होने का मतलब बताया गया है। क्या आपके भी दांतों के बीच में गैप है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी
अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।